राम राम जी। आज सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। और आज मैं बना रही हूँ चने दाल की टिक्की, या तो चने दाल की टिक्की भी बोल सकते हैं और एक अच्छा सा स्नैक्स भी बोल सकते हैं। उसके लिए मैंने चना दाल ली है। चना दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी और इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया है मैंने। कटी हुई हरी मिर्च, साबुत हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, हरा धनिया और जी काला नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला और थोड़ा बेसन। तो जी चलिए पहले हम दाल को पीसेंगे। लहसुन, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे थोड़ा तीखा बनाना है, थोड़ा पहले हम इन्हें पीस लेते हैं। दाल को हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है, सिर्फ दरदरा सा करना है। थोड़ा सा हम पानी का यूज करेंगे, हमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ही करना है। थोड़ा सा प्याज भी ऐड करेंगे हम इसमें। दाल पीस लिए, हमें दाल का कुछ ऐसा बैटर रखना है। धनिया पत्ती, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, थोड़ा हल्दी का यूज करेंगे, नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला। और अब जिससे हमारी टिक्की अच्छे से बन जाए तो उसके लिए हमें थोड़ा बेसन का यूज करना पड़ेगा। तेल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो और सैलो फ्राई भी कर सकते हो। और मैंने पहले टिक्की बना ली है, ये देखिए। अब मैं इसको देखिए एक साइड से टिक्कियाँ कितनी अच्छी पकी हैं।